20 अप्रैल को होने वाले राहुल गांधी के सुपौल जिला में जनसभा को लेकर युवा इटक कांग्रेस के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि जनसभा में हम सभी सफल बनाएंगे और सुपौल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रंजीता रंजन को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। वहीं राहुल के हाथों को मजबूत करने की भी बात ग्रामीणों ने कही। इस बैठक में हमारे छोटा भाई, इस समाज का बच्चा लक्ष्मण कुमार झा का दायित्व होता है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों का दायित्व होता है कि पार्टी के उम्मीदवार को कितना ज्यादा से ज्यादा वोट आवे। हम लोगों का मकसद यही है। देश की परिस्थिति अभी एक विपरीत दिशा में है, कांग्रेस के विपरीत। जहां जाइएगा सिर्फ नजर आएगा एक और बात, लेकिन यहाँ के जो लोकल उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी रंजीता रंजन का, उनके खिलाफ में एक नया चेहरा, हम उनको नया कहेंगे, अगला बार चुनाव हार के गए हैं, आज तक उनका चेहरा हम लोग नहीं देखे हैं, जबकि चुनाव 5-7 दिन के बाद है। इतना इग्नोर करने के बाद वो अगर चाहते हैं कि हमको वोट मिले, और आप आइए, महिला उम्मीदवार रंजीता रंजन ख्याति प्राप्त है देश में, और सुपौल के धरती पर, कोसी के धरती पर इनका जो काम हुआ है वो आम जनता के सामने है। खास करके बरवारी गांव में ये रेल की लाइन ये ज्वलंत उदाहरण है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा, हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन एक बात और आता है, वो बहुत बड़ा लोकसभा का क्षेत्र होता है, समय कम है, हम लोगों के से संपर्क नहीं हुआ है, ये तो दुख है। हम तो विरासत में हमको कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारी ये नैतिक आधार भी है, धर्म है, कर्तव्य है कि कांग्रेस जिस पोजीशन में जहां जाएगा हम उनके साथ। कांग्रेस सरकार में आपकी समस्या को दूर की गई कि नहीं? राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, 5 साल से बीजेपी के नरेंद्र मोदी अभी छाए हुए हैं, लेकिन ये आजादी के बाद जो काम हुआ है को किसने दिया है? कांग्रेस दिया कि और कोई दो लोग दिए हैं? हमको बता दीजिए आप। इसलिए नौजवान को मैं अपील करता हूं कि जम के, और ये कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति है देश का, इसमें बड़ा समझदारी से एक ऐसा रास्ता, खास करके सुपौल निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस बार उम्मीदवार का चुनाव करें। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह, बरवारी घर। मेरे दादाजी गंगा प्रसाद सिंह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं इस देश में, आप जाके प्रखंड कार्यालय में उनके नाम को देख सकते हैं, इतिहास है इनका। वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आजादी के बाद पहला हुए, और 56 में वो चल गए यहाँ से, कार्यरत थे, और हम उनके पोता हैं, डायरेक्ट पोता है। हम कांग्रेस में एक्टिव रहे, इनएक्टिव हों, कांग्रेस के साथ। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आगामी 20 तारीख को जो राहुल गांधी जी सुपौल गांधी मैदान आ रहे हैं, तो हम लोग का यही मुख्य उद्देश्य है। हम लोग यहाँ से काफ़ी तादाद में पहुँचकर उनके जनसभा को सफल बनाएंगे, और यहाँ की जो कांग्रेस से प्रत्याशी महागठबंधन के रंजीत रंजन जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करते हुए यहाँ से हम लोग जीत सुनिश्चित करवाते हुए और राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इसी लेकर के हम लोग आज यहाँ पर एक बैठक बिठा रहे हैं। बैठक में सारे आपके युवा इंटर कांग्रेस के सदस्य हैं या ग्रामीण हैं? यहाँ पर एक आध मतलब सदस्य भी हैं, और सारे मेरे ग्रामीण हैं, और मेरे सीनियर हैं, और मेरे गार्जियन हैं, और कुछ मेरे भाई लोग हैं, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं।